हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो हिंदी में बना रहा हूँ। कुछ फरमाइशें आई थी कि मुझे हिंदी में बनाना चाहिए, तो मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये हिंदी में बनाने से कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं। हालांकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और जो चाहते हैं कि कुछ कार्टून कैरेक्टर बनाएँ, कैसे बनाया जाए, तो उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ हालांकि। बट मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये काफ़ी सिंपल है। अभी मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखा हूँ। और ये कंप्यूटर में मैंने ड्राइंग बनाया है, और इस डेमोन्स्ट्रेशन को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया पूरा, बट मैं इसको समझा सकता हूँ फिलहाल। और अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा जिसमें उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा और बनाते हुए भी दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग जब कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं तो वो कैसे शुरुआत कैसे करें, एक कार्टून कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो पे। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो शेप होता है, ये शेप को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे कार्टून कैरेक्टर बनाने के लिए। कार्टून बनाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम लोग क्या शेप लें और कैसे उसको, उसका आँख कहाँ पे डालें, आईब्रो कहाँ पे डालें, नोज़ कहाँ पे डालें, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। बट वो सब एक्सपीरियंसेस से होता है। आप जितना ड्राइंग बनाओगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आँख कितना दूरी में रहना चाहिए और उसका नाक कितना नीचे होना चाहिए, माउथ का लेवल कहाँ होना चाहिए, ये सब करते करते आ जाएगा। बट उससे पहले हम लोग को बेसिक चीज़ जानना है कि एक कार्टून कैरेक्टर बनाने से पहले उसका एक शेप रहता है, उसका आकार रहता है, वो किस शेप में है। ओवल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, या कोई भी शेप हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में कि यहाँ पे कुछ शेप मैं बना के रखा हूँ, और इस शेप से मैं कुछ कार्टून बनाऊंगा। मैं जो बाकी का चीज़ है वो सिंपल रखूंगा, जैसे कि आइज़ हुआ, नोज़ हुआ, माउथ हुआ, हेयर्स हुआ, सब एक ही टाइप का रखूंगा। बट सब में कैसे वेरिएशन करूंगा और कैसे उसको एडजस्ट करूंगा वो है इस वीडियो का टॉपिक, ठीक है। और इस वीडियो में और एक चीज़ है, इसमें और कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, जैसे आइज़ हुआ, नोज़, उसमें क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं वो सब का मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, वो और कोई वीडियो में अपलोड करके डाल दूंगा। बट इसमें फिलहाल के लिए मैं एक जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है शेप। कार्टून फेस बनाऊंगा अगर मैं, तो पहले दिमाग में क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए शेप, वो किस टाइप का दिखेगा, वो शेप को हम लोग को पकड़ना है। जैसे कि आप देख सकते हो पहला वाला जो है यहाँ पे स्क्वायर है, सेकंड ओवल है, ये पेंटागन है, और उसी को मैं उल्टा कर दिया हूँ। तो ये सब ऐसे शेप को हम लोग कार्टून में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। ये रहा है वो सब कैरेक्टर, देखिए यहाँ पे पहला वाला कैरेक्टर स्क्वायर, फिर ओवल, ठीक है, ये पेंटागन, और ये उसका उल्टा। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आईज, आईब्रोज, नोज, माउथ, ये सब सेम है सब कैरेक्टर में, ये आठों कैरेक्टर में। ये जो आईज, नोज, ईयर्स, ये सब सेम है, इवन द हेयर्स ऑल्सो, हेयर भी सेम है, बट मैं उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया हूँ और स्क्वीज कर दिया हूँ, ऐसा सब किया हूँ। ये वीडियो बनाने का जो मेरा थिंकिंग था कि ये आपको कन्वे कर सकूँ कि इसमें कुछ खास डिफिकल्टी नहीं होगा आप सबको करने में, क्योंकि देखिए यहाँ पे खाली शेप का चेंजेस है और बाकी सब एज इट इज़ है। हाँ, यहाँ पे आप कुछ वेरिएशंस कर सकते हो, जैसे कि आईज़ का जो डिफरेंस है दोनों में, मैं यह माउस लेके जा रहा हूँ, देखिए ये जो डिफरेंस है इसमें यहाँ पे कम है। आईब्रोज को भी आप चेंज कर सकते हो, बट सबसे जो पहला चीज़ है आपको ये फिगर आउट करना है कि ये जो आईज़ है, आईज़ का डिफरेंस कितना होना चाहिए दो कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर में। आप दूर कर दोगे तो कैरेक्टर चेंज भी हो जाएगा। नोज़ और आईज़, मतलब अभी नोज़ को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कैरेक्टर्स होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो कैरेक्टर का डिफरेंस, कैरेक्टर का जो आई का डिफरेंसेस है या नोज़ का जो प्लेसमेंट है, ये सब डिपेंड करता है कैरेक्टर को चेंज करने में। अगर आपको लगता है कि ये कैरेक्टर, मतलब आपको, आप जैसे सोचे हो वैसे नहीं हो रहा है, तो इसमें भी आप हेयर फेयर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं रफली मैं ये आईज़ बनाया हूँ, आप चाहे तो अलग आईज़ भी डाल सकते हो। मेरा एक वीडियो है जिसमें आईज़ का मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके बताया हूँ कि किस किस टाइप का आप आईज़ बना सकते हैं, इवन क्लोज आईज़, ये सब बताया हूँ, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका डिटेल दे दूंगा। ईयर्स का भी बताया हूँ, नोज़ का भी बताया हूँ, आप ये सब चेंजेस करके वो कैरेक्टर को मैनिपुलेट या चेंजेस कर सकते हो सब कैरेक्टर में, आप अपना खुद का कैरेक्टर बना सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए ये थर्ड वाला और एट्थ वाला जो कैरेक्टर है काफ़ी सिमिलर है, बट ये जो शेप है और इसका जो शेप है थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पे आप चाहे तो ये हेयर को और नीचे भी कर सकते हैं। तो ये सब चेंजेस आप करने के बाद देख सकते हो कि कैरेक्टर आपका खुद का बहुत सिंपल और बहुत इजीली बन जाएगा, उसको और भी एनहांस कर सकते हो आप। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो कि मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में,
और ये अगर आप ओवरकम कर लोगे तो इसके बाद सब आसान हो जाए, क्योंकि फेस ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कैरेक्टर में, बाकी सब भी इम्पोर्टेंट होता है, बट फेस से एक्सप्रेशन आता है, सब कुछ आता है। तो आपको पहला चीज़ तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर सेकेंड आपको जो बॉडी बनाना है या हैंड बनाना है, लेग्स बनाना है, वो बनाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि फेस की मैं क्या करता हूँ, मैं जब कार्टून कैरेक्टर बनाता हूँ पहले फेस बना लेता हूँ। मुझे जैसे लगता है कि मोटा कैरेक्टर है, तो जैसे ये 7th वाला कैरेक्टर है मोटा कैरेक्टर, उसके बाद मैं उसका बॉडी कहाँ से लूँ या गला बनाऊँगा तो कहाँ से बनाऊँगा आइडिया हो जाता है। सोचिए मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं खींच दूंगा 2 लाइन, तो गला नहीं दिखेगा और बॉडी बन जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे राउंड, ठीक है। तो इस तरह से आप फेस को भी देख के पूरा बॉडी को बना सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा एक वीडियो में। बट फिलहाल तो इस वीडियो में वही चीज़ था कि आप जब भी फेस बनाएं पहले पहले जो है आप उसको देखें कि अगर कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो पहले ये चीज़ देखिए कि उसका शेप क्या है, राउंड है ओवल है, उसको पहले जानिए। जैसे यहाँ पे एक ये वाला देखिए कैरेक्टर, ये 7th वाला कैरेक्टर, इसमें एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कौन सा शेप है। ये 8 का शेप है, और देखिए ये वाला ये ट्रैंगुलर है। ट्रैंगुलर का मतलब ये नहीं कि इसका हेयर भी ट्रैंगल टाइप का होगा, बस इसका शेप निकालना है आपको, उसके बाद आप उसको मतलब चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये राउंड है, यहाँ पे देखिए राउंड होने के बावजूद इसका जो साइड का जो बाल है ये सब थोड़ा ऐसे होगा, तो आपको करते करते आइडिया हो जाएगा कि इसमें मतलब जनरली आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अभी फिलहाल अगर आप कुछ कार्टून कैरेक्टर बनाते हो तो पहले कुछ शेप्स ले लो रफली, और उसमें जैसे कुछ भी आईज, सिंपल आईज, अभी फिलहाल शुरुआत में ये सिंपल आईज डाल के, सिंपल नोज और माउथ डाल के शुरुआत कीजिए, और देखिए आपका क्या कैरेक्टर बनता है, किस टाइप का कैरेक्टर बनता है। आगे मैं इसी शेप में अलग आईज डालूंगा, अलग माउथ डालूंगा, अलग आईब्रोज डालूंगा और अलग हेयर स्टाइल भी डाल के देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया या कुछ आपको लगा कि और क्या जानना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं इसको रेस्पॉन्ड करूंगा। और मेरा जीमेल आईडी है rk883@gmail.com, उसमें आप सेंड कर सकते हो आपके ड्रॉइंग और क्यूरीज, मैं उसको देख के नया वीडियो भी बनाऊंगा। फिलहाल अभी अगर आपको ये इंटरेस्ट है कि आपको कार्टून कैरेक्टर ही सीखना है या जानना है उसके बारे में, तो मैं ये वीडियो का अलग पार्ट्स भी बनाऊंगा। और हाँ, अगर आपको अगर कुछ भी क्यूरीज है, अगर आपको लगता है कि अलग कुछ वीडियोस बनाऊं, तो वो भी मुझे लिख के डालिए कमेंट बॉक्स में या मेरे जीमेल में सेंड कीजिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।